बचपन से मैंने आपको यूसुफ के लिए हमेशा रोते हुए देखा है। मेरी जिंदगी शायद खत्म हो जाए, लेकिन आपकी गिरिया उजारी खत्म नहीं होगी। 11 जानशीन होते हुए एक फर्जंद के फिराक में मुसलसल गिरिया करना वाकई अनबईद अक्ल है, लेकिन मैं तो उसके फिराक में गिरिया करना हूं जो मेरी तमाम आरजुओं का महवर मरकज है। और जब तक ये जुदाई खत्म नहीं हो जाती, ये गिरिया उजारी भी खत्म नहीं होगी। यूजासी के बतौर पेशकार कसर तकरूरी की खास वजह, जबकि एक अहम मुद्दा है जो एक तजुर्बे का शख्स का मुतकाजी है। सबका पेशकार हुनिफर की बीमारी के वक्त से ही कसर के तमाम उमूर यूजारसीफ के हाथों अंजाम पाते रहे हैं। वो मेरे लिए बेहतरीन मुंतजम भी है और हकीम और दाना मुशीर भी। मैंने उससे बेहतर मुशीर नहीं देखा। मुशीर कोया, जरूरी मौके पर यूजारसीफ से मशवरा नहीं लिया जा सकता है। खुदाबंद होने पर को अबदी सुकून मरहमत फरमाए। यूजार सेफ की मुराद किस खुदाबंद से है? आपको मुझसे कोई काम था? बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। क्या हुआ सतीना, कैसिन क्यों रो रहा है? मालूम नहीं जनाबे पेशकार, हर मुमकिन कोशिश कर ली, चुप ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? मैं क्या बताऊं, ये तो कैसिन ही बता सकता है। उसने रोना बंद किया है, मैंने नहीं, खुद उसी से पूछ लो। ये कैसे बोल सकता है यूजार सेफ? आपकी शुक्रगुजार हूँ। तमाम खुदाओं की हिफाजत में रहे। मुझे नहीं लगता कि वो इन खुदाओं को कबूल करते होंगे। यूजार सेफ फरमाते हैं वो तमाम खुदा जिनकी शलवारों के कमर बंद तक दूसरे अफराद बांधते हो, किस तरह मुमकिन है कि यूजार सेफ जैसों की हिफाजत करें? तुम तो काफिर हो गए हो नीमी साबू, ये कैसे खराफत बक रहे हो? मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने नहीं कहा, मैंने बताया कि यूजार सेफ ऐसा कहते हैं। क्या वाकई ऐसे खुदा किसी की हिफाजत कर सकते हैं? जनाबे यूजार सेफ दाखिल होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है, आप बाहर ही बैठे, तशरीफ लाइए। दुरूद पर बानू जुलेखा। मुझे जनाबे पुतीफार पर रश्क आता है कि जब चाहे बआसानी आप जैसे हकीम और दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तलब किया हो और हुक्म की तामीर न हुई हो। इससे कबल हमारी खबर गिरी कर लिया करते थे, लेकिन अब आप तक रसाई तो सितारों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल तो जमीन पर बानो जुलेखा के हुजूर में हूँ,
अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब जनाब, पेशकार का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, तशरीफ रखिए, बताती हूँ। टिप्स की मौजूद खवातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुंची है, बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाबी यूजारसीफ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुजियात का जानना बहुत जरूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं, क्या वो इस खता का बरमदा इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है, आया जरखरीद कनीज थी या आजाद खातून, आया साहिब औलाद है या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे हर लिहाज से आराम और सुकून पहुंचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है। देखना होगा कि वो किस आइन की पैरोकार है और इसी किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए, ये भेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं? जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ह न हो जाएं, सही हुक्म सादर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं, सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानतकार नहीं हुआ करता। दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। ये बताएं युजासी, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरे बाबा। क्या ये घोड़ों का स्तबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी जी बेहतर मानो हुजूर, इसे कभी अकल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और खुद को आपकी खलबतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाजत दाखिल नहीं होती। चले छोड़ें, मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज व अकारब की उल्फत और मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज मुशक्कत के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाब बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराक के दर्द में मुब्तला किया। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ख्वातीन के इजहार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नजर उल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब, आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और जरूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई मानो हुजूर, भूल गया कि वो एक गुलाम है, मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है, वो इशराक सादे जो एक गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगा दे, उसका जवाब यही है, देख लेंगी।
आज के बाद में से जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कष्ट से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुती फार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक फुर्शी को महफिल का इनाकात करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में खत्म कर लूं। यूजर आसिफ को बड़ी खुशफहमी है, मैं अपने कल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज हों और मजे करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को जदोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुलखा के अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक नहायत खूबसूरत गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाबे पुतीफा का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शोहर को पुतीफा ने तंबीह क्या कर दी, चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो? तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पोती फार और महाबत की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मजायका नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुतालिक है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आई हैं या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आप महूम या पादिया मोहन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा? हाँ, आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें। लीजिए, आप भी लीजिए। जनाबे युजासिफ, जनाबे युजासिफ, सब खवातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए। लीजिए। खफा क्यों हो रही हैं? हमने उनकी बहुत तारीफें सुनी हैं, लिहाजा उनसे मिलना चाह रहे थे बस। लेकिन अगर मैं बानो जुलेखा की जगह होती तो उस खूबसूरत जवान गुलाम को 1000 पर्दों में छुपा कर रखती, ताकि मिस्री बुलहवस खवातीन की ललचाई नजरें उस पर ना पड़ सकें। वैसे वो कहाँ है, उससे बुलाएं जरा, हम भी तो देखें। देखा, मैं ना कहती थी दाल में कुछ काला है, वरना इतनी खफा ना होती। यानी उसके इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं? आप लोगों में बिल्कुल भी अशराफ साजियों वाली कोई खुबू नहीं, बल्कि कदीम मिस्री इक्तदार और रिवायात की हामिल शख्सियात के बजाय कनान और बादिया नशीन चरवाहों की सियादात हैं। आपको यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। और आपके मेहमान, खुदाई आतिश का कहर उन पर टूटे, आग में जलकर खाक हो जाए।
फासले खराब हो जाए। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपके अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही है। वो दूसरों के अजहान को भी मसमूम कर रही है। ये सब यूज़ासिफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनों दिल से मिटाना होगा, या फिर उसका वजूद इस सफाई हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफाई हस्ती से उसका नामो निशान मिटा सकती हैं? यदि उसे मार डालू? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें? क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पोतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनी फर के बाद तो वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूसासी से हाथ धो बैठे। एक खुशगवार सफर के मुतल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ ऐसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके जहन दिल से महव हो जाएंगी। मुंशी सर दरिया नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूज़ार चीफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाए। नीमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हसब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूज़ार सिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताबुन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसर व सामानी के हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हफ्ज़ो अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ, अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये जरा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूज़ार सिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हेच है, सब तेरे बगैर हेच है खुदाबंद। लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी परिश्ता वही नाजिल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। जुलेखा है अजीजी, मिस्र की बीवी, किस कदर हसीन है।
चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें।
खूबसूरत जगह है। मैं बारह आपके हमरा यहाँ आई हूँ, लेकिन कभी भी थकन का एहसास नहीं हुआ। मालूम नहीं इस बार क्यों ये जगह बहुत ही वीरान सी लग रही है। हालांकि पहले दिल नशीन थी, मोती बानो, इतना बड़ा मोती देखें तो बानो, कितना बड़ा मोती है। खूबसूरत है, एक वक्त था जब ऐसे मोती देखकर आप वजद में आ जाया करती थी, लेकिन अब तब इससे कहीं ज्यादा हसीन गौहर जो नहीं देखा था। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुम खुश नहीं हो। मेरा ख्याल था दूर रहकर दिल को करार आ जाएगा, लेकिन मालूम हुआ कि हिजर और फिराक का दर्द नजदीकी और गुर्बत के अजाब से कहीं ज्यादा सख्त है। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है उसकी याद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाऊं। कहो कश्ती को वापस ले चले। इजाजत दें तो चंद रोज और गुजार ले, अगर मौसर साबित ना हुआ। सिर्फ वापस चलेंगे, कश्ती वापस मोड़ लो। सब तैयार हो जाएं चप्पू पानी के अंदर। हरकत करेंगे। गोया फिर चाहती है कि कसर में जगह जगह खड़ी होकर हसरत यार से युजार सिर्फ को देखती रहे। जब तक उसे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दूं।
चैन से नहीं बैठूंगी। और तुम्हें मेरी मदद करना होगा। मैं आपके खुशनूदी की खातिर कोई कसर नहीं उठा रहा हूँ। याद रहे इस बात की किसी को भनक ना पड़े। आपको ये मना दिलाती हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद अगर युजार सिर्फ राजी ना हुआ तो मार अपनी हसीन और जमील बानों को कसर में वापसी पर खुश आमदीद कहते हैं। सिपास गुजार हूँ मेरे खुदा। सफर तो खुशगवार गुजरा होगा। हाँ खूब गुजरा। कसर में खुश आमदीद बानू। शुक्रिया युजार जी। युजार सिर्फ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो ज़ुलेखा। कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफर में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया युजार सिर्फ। हाँ अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई खास बात नहीं हुई माँ, सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और गुलामों के मकाना जो जबूहाली का शिकार थे उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया, और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियां और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ असलाहत की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही? फराइज की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी ये तमाम ज़हमत काबिल कदर हैं, और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने मील के सफर के दौरान निकाला था आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फर्ज समझता हूँ, और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसान मंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपास गुजार हूँ बानू। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अजरूहे अदब है या बेएतनाई। नहीं बानू,
गुलाम को चाहिए कि वो अपने खुदाबंद और अरबाब इख्तियार के हुजूर में हमेशा शर्मसार और सर तस्लीम खम रखे। तो आप पहले ऐसे क्यों ना थे? पहले खाकसार एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था जो आदाब गुलामी से नावाकिफ था। लेकिन मैं बचपन की उस खुलूस अपनाइयत को बड़प्पन के इस अदब और एहतराम पर तरजीह देती हूँ। हर दौर के अपने कुछ तकाजे होते हैं। यूजार सीफ ने आपसे अदब और एहतराम करना सीखा है बानो हुजूर, सिवाय अदब और एहतराम के कुछ और न देखेंगी। जरा बैठो, मैं चाहती हूँ कि बचपन की याद में जब मैं तुम्हारी देखभाल किया करती थी, जरा तुम्हें निगाहें भर के देखो। माजरत चाहता हूँ बानू, कसर के कुछ उमूर की अंजामदही बाकी है। अगर बानू इजाजत मरहमत फरमाएं तो उनके हुजूर से रुखसत चाहूंगा। बहुत हो जा सकते हो। मैं समझी नहीं, खुदावंद से इनकी मुराद आप थी या उनका अपना खुदा? देखा देखा कितना जबान दराज और होशियार है। बेतनाई और गुरूर को तवाज़ु और फरूतनी का नाम दे रहा है। कहीं भी चला जाए मेरी मुट्ठी में है। निमे साबू, जी आली जनाब, मेरे लायक कोई खिदमत? और सुनाओ, सैर और सियाहत कैसी रही? अच्छी भी और बुरी भी। जब तक बानो जुलेखा हंसी बोलती रही अच्छी रही, जब उनका रवैया तल्ख हुआ हमने भी अपनी हंसी को अलविदा कह दिया। रुदामून के हमरा बाजार जाओ और इस मोती को फरोख्त करके खिदमतगारों और गुलामों के लिए लिहाफ और गद्दों का इंतजाम करो। ये बानो जुलेखा ने तोहफा दिया है ना? हाँ, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। ये कीमती तोहफा है, इसे तो संभाल कर रखिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लो। वैसे क्या हुआ जो इतनी जल्दी वापस लौट आए? लौट आए हमें वापस लौटना पड़ा। मालूम नहीं क्या हुआ, शायद बानो जुलेखा को अपने शौरे अजीज जनाब पोतीफार की याद आ गई। हालात पर नजर रखो, खुसूसन कारी मामा पर कड़ी नजर रखना। कोई खास बात हो तो इतला करो। कोई खास बात है? मैं फिक्रमंद हूं, खतरे की बू आ रही है। कुछ शरीर लोगों के जहनों में साजिशें पनप रही हैं। गलत कर रहे हैं, कौन है? हवस की मारी खवातीन की निरंगियों और चिलतरबाजियों से तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो मामला इश्क का है, जो भी आपका आशिक हो जाए हक बजानी पे। खाताकार नहीं, खाता तो जनाबी जुजार सीब की है जो दिलों का शिकार करते हैं। मुखसर तो वो है जो देखें और दिल ना दे बैठे। बस करो नीमी साबू। बाप दादा की कसम, क्या किसी को हक नहीं कि आप जैसे खूबरू नौजवान का गर्विदा हो जाए? मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज परिंदे की सी है, जिसकी दिल नशीन आवाज हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज के बायस आजादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो यकीनन आपके लिए दुआ करता, लेकिन आपका अपना खुदा ज्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन
लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ताए वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूँ। बस औकात तन्हाई और खतरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है जिसे वो थाम सके, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। काश मेरे बाबा यहां होते, वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं। मैंने नहीं कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो। योजार सिर्फ जनाबे पुतीफार के पास गए हैं, अगर बानो उनके निदार के मुश्ताक हो तो मुनासिब मौका है। मेरा आईना लेकर आओ।